वही जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी ने बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया है। बसपा ने जौनपुर से अपने मौजूदा सांसद श्याम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें, श्याम सिंह यादव के मुताबिक देर रात करीब 1 बजे उनके पास खुद बसपा सुप्रीमो मायावती का फोन आया और उन्हें टिकट दिए जाने की जानकारी दी गई। देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज जो रात बीती है, 1 बजे रात को माननीय बहन जी ने मुझे टेलीफोन किया और अपने आशीर्वाद से नवाजा कि आपको मैं फिर जौनपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी का उम्मीदवार बना रहा हूं, अपने कागज वगैरह तैयार कर दो। तो मैं आज तो सुबह निकलने वाला था बाहर के लिए, लेकिन इस संयोग की बात है कि उनका टेलीफोन आ गया रात को, तो मेरे सब पेपर्स वगैरह तैयार हैं। जहाँ तक टिकट की बात है मेन ऑथराइजेशन का, वो हमारे आदरणीय श्री खरवार साहब, कोऑर्डिनेटर साहब, लखनऊ से लेके चले हैं, रास्ते में हैं और उम्मीद है कि घंटे 2 घंटे में मिल जाएगा।